हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑटो इलेक्ट्रिकल वर्ल्ड। तो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे इस बल्ब के बारे में। इसका नाम है डोजिंग बल्ब और ये होता है जो डोजिंग यूनिट होता है उसी के अंदर लगा होता है। और ये जो देख रहे हैं ना, ये सिरा देखिए, यहाँ पे एक छोटा होल दिया हुआ है। ये लगा होता है मिक्सिंग चेम्बर में, ठीक है। ये मिक्सिंग चेम्बर में लगा होगा और यहाँ पे लगा होता है एक प्रेशर सेंसर जिसको बुलाया जाता है यूरिया प्रेशर सेंसर। और देखिए इसमें दो पिन दिया हुआ है और इस पे ऑलरेडी मेरा, इसके वायरिंग के ऊपर ऑलरेडी मेरा वीडियो अपलोड है। इसके इसमें कितने वायर होते हैं, कौन सिग्नल वायर है, कौन पॉजिटिव वायर है, ग्राउंड होता है या नहीं होता है, मतलब वायरिंग का कलर कोड से लेकर के हर चीज़ पे मेरा ऑलरेडी वीडियो अपलोड है। एक वीडियो अपलोड है जिसमें मैंने वायरिंग का पूरा ट्यूटोरियल उसमें बता दिया हूँ। ECM से किस पिन से करंट आता है, कितना आता है, कब आता है, ये सारा कुछ इसमें मिल जाएगा। अभी हम इसको देखिए, इसके अंदर होता है क्वाइल, ठीक है। इसके अंदर क्वाइल होता है, अगर इसको तोड़िएगा तो इसके अंदर आपको मिलेगा क्वाइल। देखिए यहाँ पे दो पिन दिया हुआ है और एक में 3 वोल्ट करंट आता है और एक में जब इग्निशन स्विच ऑन कीजिएगा तो 3 वोल्ट करंट आएगा और एक ग्राउंड आएगा। और जैसे ही ये कपलर अगर लगा होगा ना तो वो 3 वोल्ट और ग्राउंड ये दोनों जाएगा क्वाइल में। और जैसे ही ये दोनों का कंटिन्यूटी मिलेगा तो ECM क्या करेगा, ये जो करंट वो दिया था उसको रोक देगा और दोनों में ग्राउंड आ जाएगा, ठीक है। इससे समझ में आएगा ECM को कि इसके अंदर जो क्वाइल है वो सही है, इंजेक्टर का कनेक्टर लगा हुआ है, ये सारा कुछ ECM को समझ में आएगा, तभी जा करके वो फॉल्ट कोड नहीं देगा। अगर ये इसके अंदर का क्वाइल कटा होगा तो फिर ECM क्या करेगा, कोई फॉल्ट कोड दे देगा। कोई क्या देगा, फॉल्ट कोड देता है इसका जो 3565 इसका फॉल्ट कोड है डोजिंग बल्ब का। जब ये ओपन सर्किट होगा तब इसका कनेक्टर अगर खोल दीजिएगा तो 3565 फॉल्ट कोड देगा। मतलब इसके अंदर जो देखिए जो 3 वोल्ट अंदर जा रहा है ना वो ग्राउंड में जब टच होगा, या आप एक काम कीजिए, अगर इसका जो कनेक्टर है ना, अगर आप देखिएगा आपके पास अगर लैपटॉप है, मतलब जो इसका सॉफ्टवेयर इनसाइट लगता है वो है तो आप चेक कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, जो इसका कनेक्टर है ना उसका कनेक्टर खोल के दोनों जो इसमें देखिए, इसमें 2 वायर है तो कनेक्टर में भी 2 वायर लगा होगा, तो उस दोनों वायर को आपस में टच कीजिएगा तो भी फॉल्ट कोड चला जाएगा। मतलब ECM को समझ में आ रहा है कि जो हम 3 वोल्ट दिए थे वो हमारे ग्राउंड में आकर के टच हो गया तो वो समझेगा कि इसके अंदर का क्वाइल सही है, कपलर जो है इसका लगा हुआ है। तो फ्रेंड्स देखिए ये कैसे काम करता है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक होल दिया हुआ है और यहाँ से यूरिया इसके अंदर जाता है और फिर ये जो है ये स्प्रे कर देता है जो मिक्सिंग चेम्बर होता है वहाँ पे। मिक्सिंग चेम्बर प्रेशर सेंसर इसके मिक्सिंग चेम्बर के ऊपर लगा होता है, मिक्सिंग चेम्बर प्रेशर सेंसर उसके ऊपर, और यहाँ पे लगा होता है यूरिया प्रेशर सेंसर। और तो यहाँ से यूरिया जाता है और यहाँ निकलता है। इसको हम अगर बैटरी, मेरे पास तो अभी बैटरी नहीं है, ठीक है, अगर ऐसा मौका मिला तो हम इसको कनेक्शन करके यहाँ पे यूरिया का प्रेशर देंगे और फिर देखेंगे कि यहाँ से निकल रहा है या नहीं। ऐसे में हमें दो चीज़ सीखने को मिलेगा कि ये कैसे चेक किया जाए कि ये बल्ब सही है या ख़राब है। अगर आपको इस पे डाउट है कि यही ख़राब है तो इसको कैसे आप चेक कीजिएगा कि ये ख़राब है या सही है, तो उसमें क्या क्या करना पड़ेगा, आप 12 वोल्ट करंट दीजिए एक पिन में और एक पिन में ग्राउंड दीजिए। जब ये करंट जब इसके क्वाइल में जाएगा तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह काम करेगा, इसके अंदर मैग्नेट बनेगा और बल्ब जो है ये खींचेगा और इसका ये जो रास्ता है और ये दोनों का कंटिन्यूटी मिला देगा और फिर यहाँ से यूरिया का प्रेशर जो है यहाँ से निकलना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे काम करता है डोजिंग बल्ब। फ्रेंड्स, अगर आप डोजिंग यूनिट के अंदर जो भी कनेक्शन है या जो भी सेंसर है या बल्ब है या कोई कुछ भी हो, डोजिंग यूनिट यानी SCR से रिलेटेड कोई भी चीज़, कोई भी सेंसर हो, हर चीज़ पे ऑलरेडी मेरा वीडियो अपलोड हो चुका है, ठीक है। आप जो भी चाहिए देख सकते हैं, यहाँ तक कि डोजिंग यूनिट कैसे काम करता है, डोजिंग यूनिट का जो एक एक लाइन है उसका इंटरनल जो कनेक्शन है यूरिया का जाने आने का, उस चीज़ पे भी ऑलरेडी सारा वीडियो अपलोड हो चुका है या कुछ बाकी है जो वो अब होने वाला है, ठीक है। मतलब जो भी चाहिए डोजिंग यूनिट से लेकर के मेरे चैनल पर आपको हर सेंसर, हर कनेक्शन, जैसे इंडिकेटर लाइट, पार्किंग लाइट या हेडलाइट या रिले या फ्लासर या वाइपर कंट्रोलर या वाइपर का पूरा वायरिंग जो भी है ऑटो इलेक्ट्रिकल से, यानी गाड़ी का, बड़ा गाड़ी का जो भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम है वो सारा कुछ हमारे चैनल पे मिलेगा। तो फ्रेंड्स, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए और